ये किसका नंबर है? अच्छा सुन लेती हूँ। हेलो जी बोलिए। आपके शोहर पर एफआईआर दर्ज हुई है। मेरे शोहर पर एफआईआर? पर क्यों, उन्होंने क्या किया है? रास्ते में उनकी लड़ाई हुई है लड़कों के साथ, मारपीट की है। पर वो तो ऑफिस गए हुए थे। वही तो ऑफिस में जा रहे थे, रास्ते में हंगामा कर दिया जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुई है। अभी पुलिस तुम्हारे घर पहुंचने वाली है, रास्ते में होगी। अब खुद ही सोच लो ये क्या करना है। मेरे घर पर पुलिस पहुंचने वाली है? पर तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि पुलिस आने वाली है? ज्यादा सोचो मत और अपना बंदोबस्त कर लो। ओके। पर हेलो हेलो, हाँ मिस्टर आकाश की बीवी। जी मैं ही आकाश की बीवी हूँ। आपको पता है कि आपके शोहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? जी। आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? हाँ आपके घर की तलाशी लेनी है। घर तो बहुत खूबसूरत सजा रखा है। इनमें कुछ छुपा तो नहीं रखा? बैठिए। सर बोलिए। आखिर मेरे शोहर ने किया क्या है? तुम्हारे शोहर ने बहुत कुछ किया है। साहब मेरे शोहर बहुत ही शरीफ हैं। शरीफ? अरे हर बीवी अपना शोहर बचाने के लिए उसे शरीफ कहती है। सर आप माने या ना माने लेकिन मेरे शोहर लफड़ेबाज नहीं है। चार डंडे पड़ेंगे ना इसको, सब कुछ बक देगा। नहीं नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे कहने का मतलब है। तेरे कहने का मतलब? हम सब कुछ समझ रहे हैं, तेरे कहने का मतलब क्या है? सर आप आखिर बताते क्यों नहीं है मेरे शोहर ने क्या किया है? SHO ने उनको शराब और चरस समंगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। देखिए सर उनको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरे शोहर बहुत ही अच्छे इंसान है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। देखो चार दिन का टाइम देता हूँ, अगर आपने शोर को बचा सकती है तो बचा लो वरना 10 साल कैद हो सकती है। नहीं नहीं सर आप ऐसा मत बोलें, प्लीज कुछ भी करके मेरे शोर को बचा लें। मैंने थोड़ा ही बचाना है, बचाना तो तुमने नहीं समझी मेरी बात। मेरा मतलब है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ साहब जी? देखिए मैम आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मतलब ये कि इसके लिए आपको 4 लाख देने पड़ेंगे। कहां से लाऊं इतनी बड़ी रकम? मैडम ये आपका मसला है, जो कुछ करना तुमने करना, मुझे इससे क्या? 4 लाख तो मेरे पास नहीं है। हाँ 1-2 लाख की ज्वेलरी पड़ी है मेरे पास, आप वो रख लें लेकिन मेरे शोहर को बचा लें, इसी से काम चला लें प्लीज प्लीज। ऐसे कैसे होगा, ये तो बहुत कम है। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, पैसों का इंतजाम कर लो, फिर वो हमें फोन कर देना, हम चुटकियों में आ जाएगा, फिर देखते हैं तुम्हारे शोहर का क्या करना है। ठीक है समझ गई? जी जी साहिब मैं समझ गई। चलो फिर हम चलते हैं, फिर आएंगे। लाख रुपए इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी?
अरे आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। चलो छोड़ो, ये बताओ कि पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं। साहिब, अब मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ, मेरे शौहर ही कमाते थे, अब वो भी जेल में है। फिर कैसे होगा साहब, ये तो आप ही बताएं कि अब कैसे होगा। एक रास्ता है अगर तुम चाहो तो। मैं? हाँ तुम। मतलब? मतलब ये है कि ये अपना हुस्न ये मेरे नाम कर दो। साहिब ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। फिर आती जाती रहना हर हफ्ते जेल में अपने शोहर को मिलने के लिए। मैं चलता हूँ। साहिब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा ना करें, कोई और हल ढूंढ लें। दो ही रास्ते बताएं तुमको, या तो पैसा या फिर आगे आपकी मर्जी। ठीक है साहिब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये हुई ना बात, अब आइए उड़ी पहाड़ के नीचे, आओ चलें। अरे ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? सुंबल, सुंबल कहाँ चली गई हो? क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप कहाँ चले गए थे? यार मैं काम के सिलसिले में ना बाहर चला गया था, लेकिन वहाँ ना सिग्नल नहीं थे इसलिए तुमसे रब्ता नहीं कर सका। अच्छा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? वो एक सेकंड मैं ये कॉल सुन लूं। तुम ऐसा करो मेरी गरम गरम रोटी और दाल बना लो। हेलो, जी जी